बताऊंगा कि कैसे कैसे तुम मार्क्स ला सकते हो केमिस्ट्री में, जो चैप्टर्स बताने वाला हूँ उससे 60 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए, 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। अभी बताऊंगा चैप्टर, 50 मार्क्स कहीं नहीं गए, जो स्ट्रेटजी बताई है, और यहाँ पे 50 मार्क्स कहीं नहीं गए। ओके, तो यार तुमने बिल्कुल सही क्लिक किया है इस वीडियो के टाइटल पे कि हाउ यू कैन स्कोर 150+ मार्क्स। 11th और 12th बहुत बच्चों का बर्बाद हो गया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का 11th 12th बर्बाद है। सोच रहे हैं यार क्या कर लूँ जिसकी वजह से यार जेई मेंस में कुछ अच्छा स्कोर कर लूँ, बोर्ड्स कैंसिल हो चुके हैं, तो एक जेई बचा है जिससे मैं कुछ ना कुछ अपने लिए निकाल सकता हूँ, तो क्या वो स्ट्रैटजी होनी चाहिए, कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे बहुत एनालिसिस करने के बाद जाकर आप सभी के लिए लेके आया हूं। आप सभी को पता है कि पिछले बार जब 2 अटेम्प्ट हुए, दोनों का एनालिसिस हमने किया था पेपर का, उस हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बनते हैं आप सभी के, जो आपको पढ़ के जाना चाहिए बिल्कुल ही, और जो भी स्ट्रैटजी होती है वो सारी इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो जेई मेंस को लेकर के ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर थोड़ा सा सीरियस नहीं हो तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो एक्चुअल फैक्ट्स और एक्चुअल रियलिटी है, कैसे आप कर सकते हो स्ट्रैटजी, क्या बना सकते हो, वो इस वीडियो में बात करते हैं। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज किसको कैसे पढ़ना चाहिए, किसको क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यार केमिस्ट्री पे आते हैं, तो केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, बहुत सारे बच्चों का बहुत ही मस्त रहता है केमिस्ट्री, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहूं केमिस्ट्री इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट, बट तुम लेकिन इसको थोड़ा सा बनाते हो। केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे यार कितनी सारी बुक्स लेकर के करते रहते हैं, कभी ये वाली बुक उठाई, कभी ये वाली बुक उठाई, इतनी सारी बुक उठाते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के रिजल्ट क्या रहता है, 0, कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता बच्चों का, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा यार तुम सबसे एक ही बात कि जो मैं कह रहा हूं उन बातों पे ध्यान दो। NCERT ये तुम्हें बहुतों ने कहा होगा और मैं भी ये कह रहा हूं, तुम कहोगे यार NCERT तो यार सब बोलते रहते हैं, तो आपने भी बोल दिया कौन सा नया काम कर दिया। देखो नया काम यहीं पे कर दिया कि आप सब ना जो रियलिटी होती है ना, आप सोचते हो कि ये कर लूँ, बहुत सारी चीज़ों किसी एक चीज़ पे माइंड नहीं लगाते हो कि एक चीज़ करने से ही आपको कुछ हो सकता है। विश्वास करो, अगर तुमने केमिस्ट्री के लिए NCERT पढ़ ली ना, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, NCERT कर ली तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आए हम अगर, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, NCERT तुमने कर ली, टॉपिक्स अभी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन NCERT इज़ मस्ट, और ज़्यादातर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए तो और भी ज़्यादा, ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए तो और भी ज़्यादा, ठीक है। जब तुमने यहाँ की NCERT कर ली, देन वट यू हैव टू डू, इसके बाद इस जिस चैप्टर किया उसके PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसी उस चैप्टर के, ये नहीं कि पूरा एक केमिस्ट्री कर ली उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नहीं, जैसे ही तुमने क्वेश्चन किया उसके बाद एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है उस चैप्टर का, क्या करना है, एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है उस चैप्टर का, इफ़ यू हैव एनी टाइम, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। प्रीवियस ईयर किया, उसके बाद उसका मॉक टेस्ट कर लिया, फिर एनालिसिस किया कि क्या क्या चीज़ें मुझे आई और क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं आई। तो केमिस्ट्री के लिए यू हैव टू स्टक ऑन NCERT। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं कहूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम NCERT से कर सकते हो। NCERT करने के बाद एक चीज़ तुम्हें ज़रूर करनी पड़ेगी, वन शॉर्ट वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, वन शॉर्ट वीडियोज़ तुम्हें देखने पड़ेंगे उन चैप्टर्स के, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारा ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसकी बस वन शॉर्ट वीडियोज़ तुम देख लोगे, बस तुम्हारा काम चल जाने वाला है उसके बाद PYQ करके। तो यहाँ तक हमारी बात हुई केमिस्ट्री की। अब आते हैं यार मैथ्स की तरफ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है बहुत बच्चों के लिए, और बहुत बच्चों के लिए मैथ्स बड़ा डर लगता है नाम सुन करके ही। तो मैथ्स पे आते हैं, तो मैथ्स के लिए भी आपको पता होगा कि आप सब पता नहीं कौन कौन से बुक सॉल्व करते हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि जो तुम बोलोगे कि यार ऐसा थोड़ी है। देखो जैसा यहाँ मैंने कहा ना, ऐसे ही मैं यहाँ पे ही फोकस करना चाहूँगा, किस पे, NCERT। तुम बोलोगे कि यार NCERT क्यों करे जा रहे हो भैया, NCERT दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट बुक होती है। तो मैथ्स के लिए भी तुम्हें पहले तो NCERT करनी है,
ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा, किसी और बुक पे नहीं जाना है। ठीक है, एनसीईआरटी कर ली, देन क्या करना है भैया? एनसीईआरटी करने के बाद तुम्हें कहाँ पहुँचना होगा? तुम्हें पहुँचना होगा इनके वन शॉट वीडियोज़ पे, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तुम्हारे पास 50 दिन ऑलमोस्ट बचे हुए हैं, 50-55 डेज ही बचे हुए हैं एग्ज़ाम होने के। जुलाई में मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो 50 दिनों में तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वन शॉट वीडियो देखी, मान लो एक चैप्टर उठा लिया मैंने सेट्स, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, सेट्स उठाए, तो सेट्स का सबसे पहले क्या किया मैंने, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करने में मुझे कितना टाइम लगा, 3-4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, उतना लगा। उसके बाद वन शॉट वीडियो पे, वन शॉट वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 2 घंटे में तुम्हें वन शॉट वीडियो तुमने निकाल दी, 2 घंटे में तुमने वन शॉट वीडियोज़ निकाली। देन उसके बाद तुम आओ किस पे, मॉक टेस्ट, और मैं कह सकता हूँ पीवाईक्यू कर लिया इस चैप्टर के, ज़्यादा पीवाईक्यू नहीं होंगे, ज़्यादा भी पुराना नहीं जाना हमें, 2018-19-20 और बस, उसके ज़्यादा नहीं, 18-19-20 तीन सालों के बहुत है, इनफ है। ठीक है, पीवाईक्यू किया, जैसे ही तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए उसके बाद क्या करना है, अगर यू हैव इनफ टाइम या 4-5 चैप्टर जब तुम कंप्लीट कर लो तो एक मॉक टेस्ट जरूर दे दो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही तुम्हें पता चलता है कि कितने पानी में तुम हो, कितना क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी करोगे, फिर वन शॉट, और फिर उसके बाद जाकर के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देन मॉक टेस्ट पे आओगे। ठीक है, तो मैथ्स के लिए, और तुम अगर बुक बोलोगे तो हम तुम बुक भी बता देंगे, कमेंट में पूछ लेना कि भैया कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए, बुक बता दूंगा, लेकिन पहले इतना करो, उसके बाद जाकर कमेंट सेक्शन में लिखना कि इतनी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली इस चैप्टर की, अब क्या करूँ इसके आगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे आए मैथ्स पे, इंपॉर्टेंट बताऊंगा चैप्टर अभी, वेट, सब्र का फल मीठा होता है। इसके बाद आते हैं यार फिजिक्स पे, फिजिक्स सब्जेक्ट किसी किसी साल बहुत इजी आता है, किसी किसी साल बहुत ही ज़्यादा हार्ड आता है। तो फिजिक्स के लिए क्या कहा जाए, इसकी तो यार एनसीईआरटी भी उतनी मस्त नहीं है, एनसीईआरटी भी इसकी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हें डेरिवेशंस और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन में हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो इसके लिए मैं एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला तुम्हें, एनसीईआरटी तुम्हें इसकी नहीं फॉलो करनी है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तुम्हें जाना होगा इसका डायरेक्ट, जाओ इसके वन शॉट वीडियोज़ पे। किस पे जाना है तुम्हें, वन शॉट वीडियोज़ पे इसके डायरेक्ट जाना है, फिजिक्स के वन शॉट वीडियोज़ पे, बुक्स नहीं, पहली चीज़ मैंने वन शॉट वीडियोस देखी। ठीक है, एक चैप्टर उठाया फिजिक्स का, उसकी मैंने वन शॉट वीडियोस देखी, वन शॉट वीडियो देखने के बाद उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करे मैंने, उसके बाद मैंने उसके क्या किए, 4-5 क्वेश्चन लगाए कि क्या मेरे से सॉल्व हो रहे, 10-15-20 जितने तुम कर सको। ठीक है, बट यूनिक क्वेश्चंस, ये नहीं कि सेम तरह के क्वेश्चंस तुम बार बार उसको रिपीट करे जा रहे हो, ऐसा नहीं है, यूनिक क्वेश्चंस तुम्हें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो देखी, उसके बाद उस चैप्टर के यूनिक क्वेश्चंस किए, जिससे तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते ही तुम इसके पीवाईक्यू पे चले जाओगे। ठीक है, पहले तुमने इससे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे उसमें ही तुम्हें एक दो सॉल्व करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहां से तुमने कर लिया, फिर पीवाईक्यू किए, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ उसके बाद तुम 5-6 चैप्टर कंप्लीट करो। ठीक है, अभी चैप्टर्स के नाम बताने वाले हैं, 5-6 तुमने कंप्लीट किए, 5-6 कंप्लीट, उसके बाद उसका मॉक टेस्ट। अब तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे तुम मार्क्स ला सकते हो केमिस्ट्री में, जो चैप्टर्स बताने वाला हूँ उससे 60 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए, 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, अभी बताऊंगा चैप्टर, 50 मार्क्स कहीं नहीं गए, जो स्ट्रेटजी बताई है और यहाँ पे 50 मार्क्स कहीं नहीं गए, तो 100 और वैसे तो 160 मार्क्स हो रहे हैं, मैंने फिर भी 150 ही बोला, बहुत बच्चों के अगर कम हो जाए तो। भैया आप तो बहुत चैप्टर की बात कर रहे हो, तो ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो हम करें, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर जो करें, जो कि मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि इससे कितने कितने क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलते हम चैप्टर्स की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं। तो यार एक कॉपी और एक पेन ले लो साथ में, और जो चैप्टर्स का नाम बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाओ, और उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से तुम अपनी प्रिपरेशन करते जाओ। तो एक पेन और कॉपी ले लिया तुमने, रजिस्टर ले लिया, चलो आई होप तुमने ले लिया होगा, चैप्टर्स के नाम साथ ही साथ लिखते जाओ। फर्स्ट चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही, और कभी कभार दो क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि एक या दो क्वेश्चन पक्का आते हैं। सेकेंड चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि डी एंड एफ ब्लॉक उसका तुम कहोगे तो उससे ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन तो हर साल ही पूछा जा रहा है। थर्ड इज पीरियोडिक टेबल, जिससे भी दो क्वेश्चंस तुम्हारे पक्का आने वाले हैं। फोर्थ इज बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, जिसके एक या दो क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा। फिर थर्मोडायनेमिक्स, जिससे एक क्वेश्चन आ जाता है।
केमिकल काइनेटिक्स जिससे एक क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिससे एक क्वेश्चन आ जाता है, और अमाइंस जिससे एक क्वेश्चन आ जाएगा, और केमिकल बॉन्डिंग जिससे एक से दो क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो तुम कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे भी तुम्हारे दो तीन क्वेश्चंस पक्का बन जाने वाले हैं। ऑर्गेनिक ज़्यादा नहीं भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा पढ़ लेना बस उनके कंपाउंड्स के बारे में बस, तो इससे भी तुम्हारे दो क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। ये तो बात हुई हमारी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब आते हैं हम यार फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ। क्या फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हर साल दो क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। फिर उसके बाद कहूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे एक से दो क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है हर साल ही, ठीक है? उसके बाद EMF, जिससे भी एक से दो क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है। फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, जिससे तुम्हें एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक सेमीकंडक्टर, जिससे एक से दो क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं। एक SHM ले सकते हो, जिससे एक क्वेश्चन आ सकता है। और एक फ्रिक्शन ले सकते हो, जिससे तुम एक क्वेश्चन आ सकता है। और एक लास्ट में बोलूं तो KTH एंड थर्मोडायनेमिक्स तुम कर लेना, जिससे कि हर साल दो क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को तुमने आई होप नोट कर लिया होगा। अब आते हैं यार मैथमेटिक्स की तरफ, जो मैथमेटिक्स में तुम्हें क्या क्या करना है। तो मैथमेटिक्स में तुम्हें वेक्टर एंड 3D करना है, जिससे कि दो से तीन क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। उसके बाद तुम्हें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, दैट्स द इजीएस्ट चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स, जो कि दो क्वेश्चन तुम्हारे आराम से निकाल के दे देगा। AOD तुम्हारा आए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, तो दो क्वेश्चन तुम्हारे उससे भी हर साल बन जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी दो क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी तुम्हारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन बन जाएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस से तुम्हें एक क्वेश्चन, या एरिया वाले से एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाने वाला है। तो यार ये सारे मैंने तुम्हें चैप्टर्स बता दिए, तुमने सारे नोट अपने कर रखे हो, तुम्हारे सामने होंगे। ये मैंने स्ट्रैटेजी बता दी, इसके बाद जाकर के कुछ नहीं करना, जाके लग जाओ तुम दिन भर में। कम से कम 7 से 8 घंटे निकालो, ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा कि 12-16 निकालो, कम से कम 7 से 8 घंटे निकालो घर में। इतनी तो पढ़ाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी अगर तुम JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, और 50 डेज ही तुम्हारे पास बचे हैं। तो मैंने इस हिसाब से तुम्हारे चैप्टर्स दिए थे कि जिससे तुम 50-55 डेज में इसे आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ भी और डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के तुम पूछ सकते हो। टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस तुम्हें देखना है तो यहाँ से तुम देख सकते हो, और ये भी तुम यहाँ से देख सकते हो कि स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है हमें 1 लाख की।